गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जो आज की हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का जो वर्क है वो क्या है? एक्सरसाइज। आज हमने क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कौन सी है? कल हमने क्या किया था, याद है आप लोगों को? आप लोगों ने किया था व्यूज ऑफ वाजवर। तो आज हम उसी की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उसको हमें समझना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? उसको एक्सरसाइज में करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे एक्सरसाइज आ चुकी है और आप लोगों की फाइल में भी एक्सरसाइज है। ओपन करो फाइल और उसको समझ के फिल करो। ओके, और फिल करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको वीडियो आफ्टर बताऊंगी। ओके, अब आपको पहले सबसे पहले हम क्या फर्स्ट सेंटेंस रीड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? लास्ट ईयर आई डैश स्टडी एट द सेंट्रल स्कूल। ये क्या कह रहा है कि लास्ट ईयर आई आया है। तो आप लोगों को मैंने कल क्या समझाया था, आई के साथ हमें किसका यूज करना है? वाज का यूज करना है। वाज का यूज करना है ना। तो आप लोगों ने क्या आई आफ्टर क्या राइट करेंगे? वाज राइट करेंगे। आई वाज स्टडिंग एट द सेंट्रल स्कूल। देन नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, वो क्या है? वी डैश गोइंग टू द मार्केट व्हेन द बस ब्रॉक डाउन। क्या है सेकंड? वी आया ना। तो आप लोगों को क्या करना है, वी के साथ आप लोग याद कीजिए कि मैंने क्या बताया था। वी के साथ मैंने बताया था कि आपको किसका यूज करना है? वर का यूज करना है। किसका यूज करना है? वर का यूज करना है। ओके, तो अब आप लोग क्या करिए, वी वर गोइंग टू द मार्केट व्हेन द बस ब्रॉक डाउन। आप लोगों ने क्या राइट करना है? वर ब्लैंक में। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो हम रीड करेंगे। सोहा डैश हर्ट सो शी स्टार्टेड क्राइंग। सोहा, अब किसी का नेम आया है तो आप लोगों को पता है जब किसी का नेम आता है तो हमने क्या करना है, उसके साथ क्या राइट करना है? वॉज राइट करना है। क्या राइट करना है? वॉज। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सोहा वॉज हर्ट सो शी स्टार्टेड क्राइंग। क्राइंग मीन्स रोना। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो है आई डैश नॉट हैप्पी विद माई रिजल्ट। आई आया है इस सेंटेंस में, तो याद है ना आपको आई के साथ क्या यूज करना है? आई के साथ आप लोगों को यूज करना है वॉज। क्या यूज करना है? वॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम करते हैं। नेक्स्ट है ही डैश नॉट इन स्कूल लास्ट फ्राइडे। अब इसके स्टार्टिंग में देखिए क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया वर्ड ही। क्या आया है? ही। ही के साथ आप लोगों को याद है कि क्या करना है, किसका यूज करना है? वॉज का या वर का? वॉज का। वेरी गुड। अब हम क्या यूज करेंगे? वॉज ब्लैंक में। ही वॉज नॉट इन स्कूल लास्ट फ्राइडे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। दे डैश द बेस्ट टीम ऑफ द ईयर। अब दे आया सेंटेंस के फर्स्ट में। फर्स्ट वर्ड क्या है? दे। तो आप लोगों को पता है कि दे के साथ किसका यूज करना है? वर का। दे वर द बेस्ट टीम ऑफ द ईयर। नेक्स्ट ध्रुव डैश स्टडिंग लास्ट नाइट। ध्रुव आया है तो ध्रुव किसका, किसी का क्या है? नेम है। नेम के साथ क्या? वॉज। ध्रुव वॉज स्टडिंग लास्ट नाइट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। दे डैश एट द बीच यस्टरडे। दे के साथ किसका यूज करना है हमको? वर का यूज करना है। नेक्स्ट है संजय डैश गोइंग विद हिज मदर इन द कार व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। क्या बोल रहे हैं? संजय आया है, नाम आया है किसी का, तो नेम के साथ आप लोगों को पता है किसका यूज करना है हमें? वॉज का यूज करना है। अब हम इस ब्लैंक में नाइन्थ ब्लैंक में भी क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है मिस एकता डैश टीचिंग अस व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट फेल फ्रॉम द चेयर। मिस एकता, अब एक पर्सन की बात हुई है ना, मिस एकता बोला है, ठीक है, तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स डैश थ्रिल्ड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का नाम नहीं लिया क्या?
बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम लिया है, तो क्या इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? वर यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको ये 11 जो सेंटेंसेस है वो आपको कम्प्लीटली करने हैं, अच्छे से। कहाँ करने हैं आपको? बुक में फिल करने हैं। और बुक में फिल करने आफ्टर क्या करना है आपको? इसको नोटबुक में भी नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में कीजिएगा, क्योंकि FNB का वर्क चल रहा है। ओके, जब मैं आपकी FNB चेक करूँगी ना, तो तब आपको क्या गिफ्ट भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू।